जब तुमने मेरे अपनी माँ को लिए थे उस माँ को जिसे मैंने तेरी मारा था, लेकिन वो तो अलग मत समझो, तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ, खासकर तुम्हारी पत्नी। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आप सबसे माफी मांग सकूं, मैंने जो सबके साथ किया हूँ। संजू अंदर आ जाओ बेटा, सबसे पहले देखो क्या हाल बना के रखा है। संजना मैं दिल से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं दिल से तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। मुझे पता चल गया है कि जो मेरे पापा थे उनको प्रेम ने नहीं मारा था बल्कि मेरी खुद की माँ ने मारा था, तो मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत उदास होता हूँ, मैं काफ़ी रोता भी हूँ, और जब मैं उनके रूम में जाता हूँ तो उनकी चीज़ें देखता हूँ तो सब तोड़ने लगता हूँ, क्योंकि जो तोहफे मैंने उनको दिए थे मुझे अपने आप से घृणा आती है कि मतलब मैंने अपनी माँ को इतना ट्रस्ट किया और उनके कहने पर। तो बाहर संजना मेरा वेट कर रही होती है, वो अंदर आती है और फिर उसे मैं वचन देता हूँ, एक्चुअली जो 7 वचन होते हैं जो शादी में मैंने उसे दिए थे वो फिर से दोहराता हूँ। तो बहुत ही अच्छा सीन था ये, काफ़ी कुछ था इसमें, ड्रामा भी था, रोता भी हूँ मैं, फिर रोमांस भी होता है इनमें, तो मज़ा आया। मेरी माँ ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था कि मेरे पापा को प्रेम में नहीं बल्कि उन्होंने खुद गोली मारी थी, तो जब मुझे ये पता चला तो ऑब्वियसली बहुत रोया मैं और एकदम शैटर्ड हो गया।